संगत जी मेरे साथ जरूर बोलें जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के साथ हमें अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना है और गुरु जी हमेशा कहते हैं कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। तो संगत जी, हमें अपने कनेक्शन को गुरु जी के साथ स्ट्रॉन्ग करना है और वो हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ये जानते हैं हम आज के सत्संग में। मेरी रिक्वेस्ट है संगत जी कि इस सत्संग को आप पूरा एंड तक ज़रूर सुनिएगा क्योंकि बहुत ही मीनिंगफुल सत्संग है आंटी का, इसमें आपको बहुत सारे आंसर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सत्संग। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी। शरद गांधी आंटी एंड पूजा आंटी एंड सारी कुवैत संगत जो अभी इस समय आए हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे मौका दिया गुरु जी की उस्तर करने का। और आपने अपने इनवाइट में इतने इतने बड़े बड़े अल्फाज मेरे लिए लिख दिए जिसमें आपने लिखा एक्सट्रीमली ब्लेस संगत हर इंस्पिरेशनल वंडरफुल ब्लेस ब्लिसफुल जर्नी। माय गॉड, इतने बड़े बड़े एक एक छोटे से इंसान को गुरु जी ने पहचान दे रहे हैं कि आपने ऐसे लिख दिया और इतना प्यार दिलवा रहे हैं। और जहाँ ब्लिसफुल जर्नी बोली है, ब्लिसफुल जर्नी हम सबकी है। वी आर ऑल ब्लेस्ड क्योंकि हम इस द्वार पे पहुंचे हैं। वाई वी आर ब्लेस्ड, बिकॉज ईश्वर का द्वार है जहाँ हमको ऐसा गुरु मिला है वो साक्षात रब। तो वी आर ऑल वेरी ब्लेस्ड एंड गुरु जी का लाख लाख शुक्राना कि उन्होंने हमारा हाथ थामा। और एक और मैं बात बोलूंगी बड़ी जो मैंने कहीं पढ़ी थी, ऑटोबायोग्राफी में ही पढ़ी थी कि जब ईश्वर का स्मरण मिलकर करते संगत तो हम संगत के बीच प्यार और मधुरता की कमी नहीं होती। तभी आपने इतने बड़े वर्ड्स मेरे लिए बोले और उसमें ये लिखा है कि जिनको यहाँ प्यार मिलता है उनको ऊपर भी जाके प्यार मिलता है। तो गुरु जी क्या कर रहे हैं, गुरु जी हम सब में प्यार जनरेट कर रहे हैं तो होपफुली हम वहां भी उनके साथ प्यार ही बांटेंगे सबके साथ। तो अब देखिए गुरु जी के साथ में एग्जैक्टली 5 years बैक जुड़ी थी जो हमारी परसों मंडे को वी आर सेलिब्रेटिंग दैट डे, क्योंकि उस दिन जिस दिन वो कहते हैं ना कुर्बान जाऊं उस वेला सुहानी जो तेरे द्वारे आया। तो हम लोग मंडे को हमारे बहुत सेलिब्रेशन करेंगे हम लोग जो संगत जहां से हम जुड़े थे। तो एक साल के दिस इज इन 2019 एंड टिल द कोविड केम गुरु जी गेव मी सो मेनी एक्सपीरियंसेस ऑफ सच खंड और आपके किसी और रूप में आए, बहुत पिलग्रिमेजेस कराई। फिर मेरे बहुत जो आसपास मेरा स्टाफ था किसी के पैसे उन्होंने हुंडी में दिए, बहुत बहुत चीजें करके दिखाई, लंगर की महिमा सिखाई। और जो मैं सोचती थी संगत जी वो विद इन 5-10 minutes आई यूज टू गेट द आंसर। तो मुझे आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि ये कहां मैं, ये कौन है ये, पर कोई बुद्धि नहीं थी, कोई कॉन्शियसनेस, कोई सोल का नहीं पता था। कभी ऐसा हमने कोई नजारा ऐसे कभी गुरु को कभी हमने देखा नहीं था, ऐसा कभी सुना नहीं था। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया और हमें इसको चमत्कार को मिराकल को नमस्कार करती रहेगी। पर असली टाइम जब आया कोविड का, और कोविड में जब ये बड़े मंदिर का प्लेटफॉर्म तब ये तीन संगत ने खोला था और मैं फर्स्ट डे से जुड़ी थी संगत जी, वहां पे 50 लोग सिर्फ होते थे और रात के 3:30-3 बजे तक सत्संग चलते थे। और तब मैंने सुनना शुरू करा और गुरु जी को जानना शुरू किया। और जब वो लोग अपने सत्संग सुनाते थे तो आई यूज टू फील कि ये तो मेरे साथ भी हुआ इस एक साल के पीरियड में। और बहुत कुछ बहुत गूज बम्स मिलते थे कि ये क्या क्या हमको सुनने को मिल रहा है। और फिर मैंने ये सीखना शुरू किया कि गुरु जी की टीचिंग्स जो है वो बहुत सिंपल है बट उनके अंदर बहुत ज्यादा डेप्थ है अगर आप उनको समझो। और फिर मैंने नोट्स बनाने शुरू कर दिए, एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया और गुरु जी की टीचिंग्स को फॉलो करना शुरू कर दिया। और आई फील कि जैसे गुरु जी कहते थे कि अपना एंटीना को करो, और मैं उनकी हर टीचिंग को मैंने फॉलो करके और अपना मार्ग आगे बढ़ाया। तो दिस इज आई फील कि ये गुरु जी का ग्रेस है कि वो मुझे इतने सत्संग उन्होंने फिर देने शुरू करे, बिकॉज आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग देम। मैं उनकी बारीकी निकालने लगी। आप देखिए सत्संगों में आई फील वो सबको देते हैं और पर हमको उनकी उसकी बारीकी को निकालना और ये समझना है कि हमारे लिए क्या ठीक है। आप सबके सत्संग सुनिए पर आप वो करिए जो आपको गुरु जी की डायरेक्शन मिलती है।
सुनिए आप सबका, सीखिए सबसे, बट करिए वो जो आपके मन की आवाज बोलती है, जो आपको गुरु जी से डायरेक्शन देती है, दिस इज व्हाट आई डिड। आप देखिए जो गुरु जी की इतनी लर्निंग्स है, फर्स्टली व्हाई डू वी नीड अ गुरु। अब देखिए इतना बड़ा श्लोक पढ़ा जाता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु पार ब्रह्म। कैसे पार ब्रह्म है, हाउ इज इज ईश्वर गुरु। इतनी गुरु की महिमा कबीर जी ने और कितने कितने बड़े भक्तों ने बोली है, आज मुझे उसका मीनिंग समझ आया, व्हाई वी नीड अ गुरु। गुरु हमें किस लिए चाहिए, गुरु हमको इसलिए चाहिए कि हम लोग वी आर ऑल इन इंटॉक्सिकेटेड स्टेट। तो गुरु क्या करते हैं, गुरु जब हमारी लाइफ में आते हैं, हमारा अहंकार को निकालने लग जाते हैं। जो गुरु जी कहते थे मेरी ईगो सबसे बड़ी टीचिंग है, जैसे हमारा अहंकार निकलता जाता है तो ईश्वर हमारे अंदर आता है। ये मैंने सीखा। और जब आपके नए अहंकार कम पैदा होते हैं, और तीसरी ये बात है कि जब आप गुरु से जुड़ते हैं तो आपकी लाइफ में जो भी होने लगता है होता है, आप ये कहते हो ये गुरु जी की कृपा है। और यही देखिए हमारी लाइफ में कुछ भी हो रहा होता है, हम कहते हैं ये तो गुरु जी की ब्लेसिंग है। सो दिस इज व्हाई आई फील गुरु गुरु इज वेरी एसेंशियल। और देखिए हमारा गुरु तो गुरु इज नॉट मॉर्टल गुरु, वो तो हमें कौन गुरु मिला है, हमें महाशिव मिले हैं। और देखिए ऑटोबायोग्राफी में उसमें पुस्तक में लिखा है कि जब गुरु ने आपका हाथ थामना है, इवन इफ यू आर एट द एंड ऑफ द अर्थ ही विल कम एंड होल्ड योर हैंड। वो आपको आपको ही विल यू नो ही विल होल्ड योर हैंड। एंड अनदर थिंग द ऑटोबायोग्राफी में द गुरु सेज कि देर आर सो मेनी गुरुज, यू नो बहुत गुरुज होते हैं, हाउ टू चूज द राइट गुरु। कहते हैं आपको आपके अंदर इतनी बुद्धि होनी चाहिए, एक चींटी जो होती है, एक छोटी सी चींटी, इट इज द स्मॉलेस्ट यू नो इंसेक्ट, वो मिट्टी में से चीनी निकाल लेती है, इट इज सो वाइज, तो आप क्यों नहीं राइट गुरु चुन सकते हैं। एंड अनदर थिंग द बुक सेज कि एक समय ऐसा आएगा कि आपको इतने अपने गुरु के मैसेजेस आएंगे जैसे सैलाब की तरह, और आप कहेंगे कि ये कहाँ से आते हैं। और तीसरा एक चौथी जो उन्होंने मैंने बात सीखी कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को शेयर करें, जो आप गुरु की सीख सीखते हैं आप उसको आगे फैलाइए। और यही गुरु नानक जी को जब उनको जपजी साहब जब उन्होंने लिखा था, जब उनको ईश्वर के दर्शन हुए थे तो उनको क्या बोला गया था कि तुम यहाँ पे भिखारी होके आए हो और अब संपदा लेके आ जा रहे हो, इसको बांटो, इसको आगे फैलाओ। और यही बुक में लिखा गया है कि आप जो आप सीखते हैं आप आगे फैलाइए। दिस इज माई माई टेक ऑन इट, नन ऑफ माई ब्लेसिंग्स इज प्राइवेट फॉर मी। और जितनी मैं ब्लेसिंग्स को शेयर करती हूँ उतने मेरे गुरुजी सत्संग को बढ़ाते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव नोटिस कि हर मेरा सत्संग बढ़ता है, क्योंकि जो मुझे गुरुजी छोटी सी बड़ी बात भी जो मेरे साथ होती है, आई वॉन्ट टू टेल पीपल कि हम किस द्वार पे पहुंचे। और एक और मेरी आपसे है कि जब हम कोई भी सत्संग करते हैं, हम लोग ये बोलते हैं कि हम ये सोचते थे हम गुरु के बारे में यहाँ आए तो हमने, हमें कुछ नहीं सोचना है, हमें सिर्फ शुक्राना करना है कि हम इस द्वार पे पहुंचे हैं, उस घड़ी का शुक्राना करना है। और जो मेरी सोचती है अगर आज मैं उसको सोचूं तो मेरे से बड़ा कोई शर्मसार नहीं होगा। तो ये मेरे विद माय एज आई हैव लर्न्ड कि आई हैव वेस्टेड सो मच टाइम बिकॉज क्योंकि सोच आंखों में पड़ता था, नहीं तो हम दिल्ली में रहते थे, मैं कब की गुरु जी से जुड़ सकती थी। और एक बार मैंने 31 मई को 2022 में बहुत प्लेटफॉर्म्स पे पुरानी संगत के सत्संग हुए तो मैं बहुत मुझे रोना आया, और मैंने गुरु जी को कहा कि गुरु जी मैं साउथ दिल्ली में आपके घर के आसपास रहती हूँ, दिल्ली में घूमती थी, आप मुझे क्यों नहीं, आप मैं आपको क्यों नहीं मिली। तो संगत जी उन्होंने मेरी एक जूत की दिए की दीवार में ब्यूटिफुल दर्शन अपने शिवा के रूप में दिए। आई विल शेयर विद यू सो वॉट ही मेंट कि मैं हमेशा सबके साथ हूँ। अब आप ये सोचिए कि जब गुरुजी पुरानी संगत के साथ थे, उनको उन्होंने जो वचन बोले, उनको जो बोला जो हम आजकल सुनते हैं, अब देखिए हम नई संगत है, हमको वो कैसे मैसेज पहुंचाएंगे, हाउ विल ही कम्युनिकेट विद अस, इट इज थ्रू सत्संग्स। सेकेंडली बहुत लोगों को आवाज आती है, बहुत लोगों को टेलीपैथी आती है, बहुत लोगों को टाइप मैसेजेस आते हैं। एंड संगत जी यू वोंट बिलीव आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल दीज थिंग्स। He has sent messages for me.
ही हैज टॉक्ड अबाउट मी टू टू सम संगत, और ये मेरे पास सब सत्संग हैं जो आई माइट शेयर टुडे. वॉट डज इट प्रूव? दैट ही इज कॉन्शियसनेस, ही इज रिजाइडिंग इन ऑल ऑफ अस. वो पूरे ब्रह्मांड में है. और यही ये किताब कहती है कि ये जो जो ईश्वर है, ये हमारे चेतना है, हमारे अंदर है. और यही गुरु नानक जी ने बोला अपनी उनकी जो आरती में भी, उन्होंने यही बोला है कि यू हैव थाउजेंड्स ऑफ आईज, येट यू हैव नो आई. यू हैव थाउजेंड्स ऑफ फीट, यू हैव थाउजेंड्स ऑफ नोज, येट यू हैव नन. उसमें आप देखिए एक आरती में लाइन है, सहस तब नैन नन नैन है तो ही, सहस मूरत नन्ना एक तो ही. मतलब आपकी इतनी मूर्तें हैं फिर भी आपकी मूर्त नहीं है. और यही आदि शंकराचार्य को 8 साल की उम्र में उन्होंने ये निर्वाणा षटकम लिखा था. उसमें भी उन्होंने यही बोला कि मेरी कोई आंख नहीं है, मेरा कोई माइंड नहीं है, मैं क्या हूँ? मैं चिदानंद रूपा शिवोहम. तो आप ये समझिए कि गुरु जी इज रिसाइटिंग इन अस. और यही गुरु नानक जी ने भी जप जी साहब में बोला, एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान. मतलब इवन द डिवाइन मदर इज कॉन्शियसनेस. तो गुरु जी इज रिसाइडिंग इन ऑल ऑफ अस. और एक देखिए जो मैंने ऑटोबायोग्राफी के 22 एपिसोड्स करे हैं, आई एम लिविंग एंड ब्रीदिंग दैट बुक, बिकॉज आप गुरु जी को जो भी आपके अंदर जिज्ञासा है वो ये किताब आपको बताएगी अलॉन्ग विद द सत्संग्स. और देखिए उनमें उन्होंने एक बोला है कि गुरु इतनी कृपा करता है आपको, कैसे आपकी जान बख्शता है, कैसे आपके कर्म लेता है. उन्होंने बहुत डिटेल में बताया, कहते कितनी बार तो होता है वो करके चला जाता है, कहते अपनी जगह बदलता है, आपको नॉन लिविंग थिंग्स से आपको बचाता है, आपको उससे आपके कर्म काटते हैं. और जब अपने ऊपर लेते हैं तो इसका मतलब है कि उनके हमारे बहुत कर्म खराब है. और एक बात उन्होंने और बोली कि बीमारी कैसे ठीक करते हैं अपने ऊपर लेने के अलावा, कहते हैं हमारी सबकी सूक्ष्म बॉडीज ऊपर एस्ट्रल वर्ल्ड में, जहां पे गुरु हमको ठीक करते हैं. आप देखिए कितने मैंने देखे सत्संग. अभी भी मेरे एक संगत मिली जिसको गुरु जी ने कैंसर ठीक करा है, सिर्फ एक सचखंड का प्रसाद देके मैं हमसे दिलवाया है. कैसे ठीक कर सकते हैं गुरु जी यहाँ के धरती पे? ये सब उन्होंने, बिकॉज ही इज इन द यूनिवर्स, ही इज इन ऑल ऑफ अस, एंड दैट इज वाउ ही इज टेकिंग केयर ऑफ अस. तो हमको ये समझना है कि नई संगत को ये समझना है कि ये क्या है, ये हमारे अंदर है. तो इसीलिए इनकी जर्नी बहुत डिफिकल्ट है, प्यारी है पर डिफिकल्ट है. इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि जो आप सोच रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, आपके अंदर कोई माइन्यूट गलत थॉट भी चल रही है गुरु जी. सो यू आर एब्सोल्युटली एक्सपोज टू हिम, सो यू हैव टू बी सो कॉशियस. और जैसे जैसे ऐसे गुरु नानक जी ने बोला कि हमारे अंदर एक तराजू लगा है, जो हम रोज करते हैं वो रोज उस तराजू में तुलता है. कौन जाने गुण तेरे आज आपके चला था, उसमें एक लाइन है. सो दिस इज वॉट गुरु जी टीचेस अस. एंड अनदर वेरी ब्यूटिफुल फ्यू थिंग्स विच आई हैव लर्न फ्रॉम हिम इज आई यू नो सत्संग वो बहुत देते हैं, सबको देते हैं, बट वॉट वी हैव टू लर्न, वॉट गुरु जी किस लिए आए थे? सुख दुख हमारे साथ चलते रहेंगे, बट गुरु जी हमको सिखाने आए थे. अब क्या देखिए जो मैंने उनसे सीखा वो मैं आपको सिर्फ वो मैं थोड़ा सा मेंशन करूंगी, उसके बाद मैं अपने एक दो सत्संग लूंगी. देखिए क्या है, सबसे जो पहली बात है, हमने ग्रेटिट्यूड सीखा. आज मुझे समझ आया ग्रेटिट्यूड का मीनिंग क्या होता है. वेयर द रोब ऑफ ग्रेटिट्यूड, आपकी पूरी बॉडी में नस नस में ग्रेटिट्यूड होना चाहिए. क्यों? आज देखिए अगर हम इतने आराम से रह रहे हैं, डू आई डिजर्व दिस? व्हाट हैव आई डन? तो ये किसका ग्रेटिट्यूड है? ये ईश्वर का ग्रेटिट्यूड है. क्योंकि कितने लोग जिनके पास ये सब कुछ नहीं है, तो उसका ग्रेटिट्यूड करना है. दूसरा जो उन्होंने गुरु जी ने गुरु बानी से जुड़ाया है, आई फील ये कलयुग में ईश्वर को पाने का सबसे बड़ा मार्ग है. और कहते हैं कि ये जो हम गुरु बानी से जुड़े हैं वो क्यों गुरु जी ने हमसे जुड़ाया, देखिए आई एम नॉट बॉर्न एज अ सिख, तो हम कभी भी इतना नहीं जुड़ते, कभी थोड़ा बहुत सुन लेते. नाउ व्हाई वी आर लिसनिंग 24/7 गुरु बानी एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये धुर की बानी है, ये इसमें ईश्वर की सिफत है. और इसको सुनने बोलने समझने से ये हमारी ईश्वर से तार जोड़ती है और हमारे अंदर की आंख और कान खुलते हैं
और ये हमारे जागने का प्रोसेस है। और कहते हैं नानक जी ने गा गा कर बचपन से गा गा कर ईश्वर को पाया है। और कीर्तन, ये कहते हैं ना कलयुग में कीर्तन प्रधाना, और उन्होंने जब ये गा गा कर वो ही उनका जो संगीत था उनका तप ध्यान मेडिटेशन हो गया। और वही देखिए हमारा हो रहा है, वी आर ऑल लर्निंग फ्रॉम गुरु वाणी। और दूसरा क्या है कि इट इज डायरेक्ट मेडिटेशन टू गॉड। और कहते हैं कि ये ग्रंथ साहिब में लिखा है कि ये क्या है, ये जवाहरत की पोटली है। कहते हैं आप इसका व्यापार करिए, इसको फैलाइए, डोंट लिमिट योर सेल्फ। पहले जो गुरु जी ने आपको ब्लेस शब्द दिए हैं आप उनको ही सीखिए, दैट इज इनफ फॉर अस। और इनका व्यापार करिए कि जब आप इनके आप सत्संग करेंगे, ये क्या मैं, ये हम सब वाणी से सीख रहे हैं। आप कहते हैं जब आप अपने गुरु का व्यापार करेंगे सब पूछेंगे कि इस आपका गुरु कौन है, आप बोलिए हमारा गुरु कौन है। हमारे गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, गुरु नानक जी हैं, हमारे गुरु जी हैं, और सब गुरु से कबीर रविदास जी सब हमारे गुरु हैं जिनसे हमने सीखा। ये वाणी हमको सिखाती है। और इसको जैसे जैसे आप इसको करेंगे आपका व्यवहार, ईमानदारी, प्रेम, जीवन सब बदलने लग जाएगा, सब बदलेगा। पहले हम क्या थे, व्हाट वाज आई, आई वाज जस्ट वेस्टिंग माय टाइम। अब देखिए द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज साध संगत। अब पहले हम किससे मिलते थे और आज हम किससे मिलते हैं, आप देखिए आज कितने लोग हैं, कितने सुनेंगे, हम कहाँ कहाँ बैठे हुए, कौन कौन सी कंट्रीज में बैठे हैं। कभी हम सोच सकते थे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कुवैत, सब जगह हम इंडिया में कहाँ कहाँ से लोगों से मिलेंगे। तो इसका बहुत वाणी में भी सात संगत को बोला गया है। और सात संगत पाए नाम निधान, मतलब ये ट्रेजर मिलता है आपको, प्रभु बुझे नेड़ा, आपको ईश्वर के जलवे नजर आते हैं। और एक सबसे बड़ा जो मैंने पढ़ा, सात संगत सचखंड है, मतलब वाइल्ड बीइंग अलाइव ऑन द अर्थ आपको ईश्वर के नजर आता है सात सात संगत में, बिकॉज वी आर ओनली लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। और रविदास जी कहते हैं जैसे सात संगत रहिए जैसे मधु पखीरा, आप एक दूसरे को एलिवेट करिए, ना कि किसी से आप जेलसी करिए, आप एक दूसरे को मिलके उठाइए और सबके सत्संग सुनिए और सबको सबसे सीखिए। ये गुरुजी ने, ये गुरुजी का मैसेज है और यही ऑटोबायोग्राफी में बोला गया है कि आप मधुमक्खी के छत्ते बनिए और तभी गुरु आपको शायद दिखाते हैं वो, ये दिस इज व्हाट इज इंडिकेशन इज। उसके बाद द अनदर लर्निंग आई लर्न वॉज टू गेट रिड ऑफ काम क्रोध लोभ मोह। आप देखिए जब आप मनमुक्त थे, जब हमारे गुरु की तरफ हमारी नजर नहीं थी, तो हमारे अंदर क्या था, ये सब था। और ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब हमको लूट रहे थे, हमारे अंदर सब लूट लूट रहा था। हमारे हमारी सोल वॉज नॉट एबल टू यू नो सर्वाइव। एंड जैसे हम गुरु बने, गुरुमुख हुए हैं, तो हमारी सोल में हमको समझ आने लगी है। सो ये बहुत है, इसको आप अहंकार को एक ओंकार में कन्वर्ट करिए, दया में, सत्य में, आप यू नो ह्यूमिलिटी में कन्वर्ट करिए। इन सब चीजों को देना सीखिए, किसी को आप दे नहीं सकते तो सिर्फ सुन सकते हैं, उनको प्यार दीजिए, किसी तरह से भी किसी की मदद करिए। तो ये गुरुजी ने सिखाया। अनदर थिंग विच आई लर्न वॉज कनेक्ट विद योर सोल। अर्ली आई डिडंट नो व्हाट इज सोल। सोल इज इटर्नल ब्राइट, उसकी जर्नी कभी खत्म नहीं होती है। तो ये सोल की एंडलेस जर्नी है, तो हमें अपने गुरु को सोल से कनेक्ट करना है। और सबसे बड़ा एक जो मैंने सीखा, हुक्म में रहना। ये बहुत टफ है क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत दुख आते हैं पर हम बहुत विचलित हो जाते हैं। हुक्म में रहना ये बहुत बहुत मुश्किल है, बट वाणी क्या कहती है कि सुख भी उसी का दिया हुआ है, दुख भी उसी का दिया हुआ है। और अगर हम ये समझ गए तो दोनों में फर्क नहीं लगेगा हमको, और हम दुख में किसी को दोषी नहीं ठहराएंगे और सुख में अपनी सफलता नहीं मानेंगे। देखिए अगर हम बहुत सुखी होते हैं, इफ यू आर वेरी सक्सेसफुल, वी थिंक वी आर डूइंग इट, नो, इट इज गॉड्स कृपा की जो हम आज सफल हैं, और दुख भी उन्हीं का दिया हुआ है। ये हमारे कर्मों की वो है जो हमको झेलना है। और गुरु जी तो हमारे कितने कर्म ले लिए, इट्स जस्ट 20% वी आर बेयर। सो दिस इज वेरी ब्यूटिफुल लर्निंग आई लर्न। और कहते हैं जैसे जैसे आपका अहंकार कम होएगा तो आपके अंदर प्रेम, करुणा, दया, आपकी यू नो यू विल गेट
इंटेंसिटी टू अंडरस्टैंड पीपल्स फीलिंग्स, आप लोगों का दर्द समझने लग जाएंगे। देखिए, पहले किसी किसी को दर्द होता था, हम लोग गॉसिप करते थे, आज आपको हर एक का दर्द समझ आता है एंड कि व्हाट अदर्स आर गोइंग थ्रू। सो ये कैसे आता है? क्योंकि हमारा आवर सोल इज गेटिंग क्लेंस्ड, वी आर एबल टू एब्जॉर्ब दीज थिंग्स। और एक जैसे कहते हैं कि जब आप अहंकार निकालना शुरू करते हैं तो आपको परमात्मा हर एक में नजर आने लग जाता है, कण कण में, सृष्टि में नजर आने लग जाता है। और अपने मन और हृदय को, कहते हैं आप दोनों को सिंथेसाइज करिए और फिर आपको ईश्वर के अंदर आने का मार्ग है। मतलब आप सिर्फ बुद्धि लगाएंगे तो आप लॉजिक ही ढूंढते रह जाएंगे कि गुरुजी इतना आपको मिराकल्स दिखाते हैं, ये कैसे हो सकता है। और मन को, अगर दिल को सिर्फ यूज करेंगे तो उसमें आप कुछ उनके लिए गा लेंगे, कुछ कर लेंगे, बट आप जब दोनों करेंगे तो देन यू विल नो व्हाट गुरु जी इज। दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन से जो गुरु जी अपने हमको समझाते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। और एक और सीखा मैंने कि जो हम लोग को, हमारे अंदर फियर्स हैं, बहुत फियर्स हैं, मेरे अंदर भी बहुत फियर्स हैं, सो मेनी इनसिक्योरिटीज, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ ओल्ड एज, फियर ऑफ कि हमारी वेल चली जाएगी, फियर कि कोई हमारे से ये ले लेगा, छीन लेगा। वी हैव सो मेनी फियर्स ऑफ आवर चिल्ड्रन, उनकी हैप्पीनेस के इतने हमें फियर्स रहते हैं, हमारे बच्चों को तकलीफ होती है। आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू ऑल दीज फियर्स, बट इससे आप जब ईश्वर आपके अंदर आएगा तो आप अपने इन भय को निकालने हम लग जाते हैं, निकालने की कोशिश करें, बिकॉज गॉड इज लविंग, वी डू नॉट हैव टू फियर गॉड, एंड ही इज फॉर एवर लविंग, ही विल टेक केयर ऑफ अस, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। एंड हम इस द्वार पे पहुंचे हैं जहां पर गुरु जी हमारा संभालेंगे। वो कहते हैं ना, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया तो हमें किसी बात का नहीं है, जे तू मेरे बल है तो क्या मुझंदा। सो दिस इज वेरी वेरी सीरियस, वेरी सीरियस टॉक। सो आप देखिए, मैं आपको एक छोटा एक सत्संग, मैंने ये पहले भी सुनाती हूँ, जो मैंने बहुत प्लेटफॉर्म्स पे बार बार मैं करती हूँ, क्योंकि इससे मेरे को हर टाइम नया मीनिंग समझ आता है। और ये किसका है, ये कॉन्शियसनेस के ऊपर है। अब आप देखिए कि मेरे 2 साल पहले मेरे साथ कुछ ऐसा बात हुई, समबडी सेड समथिंग एंड आई फेल्ट वेरी बैड। तो गुरु जी ने उस दिन सुबह मेरे को 3 बार इंडिकेशन दी कि मुझे बात नहीं करनी, और ये बड़ी बड़ी प्यारी और क्लियर इंडिकेशंस थी। आई वोंट गो इनटू डिटेल, मैंने पहले भी इसमें कहीं शेयर किया है। अब आप देखिए कि ये जो तीन उन्होंने मुझे इंडिकेट करी, स्टिल आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। ये आपको गुरु जी के मैसेज लेने हैं। अब आप देखिए, और उस दिन मैंने एक शब्द सीखा था, जिसनो तू रखवाला मारे तिसे कौन, जिसनो तेरी नदर नौन नित भुंजिए। अब आप ये देखिए, मुझे शब्द इतना पसंद आया कि इसमें बोलते हैं कि लेखा छोड़ अलेखे छूटे, आपके लेखे ही नहीं पूछे जाएंगे। और आई गॉट वेरी इंट्रीग कि नौ नित का क्या मीनिंग होता है। देन आई लर्न द मीनिंग ऑफ नौ नित, कि ईश्वर के 9 खजाने होते हैं, जिसमें आपके चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, ऐश्वर्य, आपके जो एजुकेशन है, मकान, अच्छा परिवार, और जो स्पिरिचुअल नॉनिध होते हैं वो होते हैं आपके ह्यूमिलिटी, कंटेंटमेंट, ब्रदरहुड, सेवा, सिमरन। सो आई लर्न दैट। अब आप देखिए, अब आई विल टेल यू हाउ इज कॉन्शियसनेस। अब इससे बड़ा प्रमाण आपको कोई नहीं, गुरु जी ने जो ये मुझे दिया। देखिए, आई वॉज ट्रेवलिंग विद माई सिस्टर इन द कार एंड गोइंग टू गुड़गांव टू अ सत्संग। सो ये जो संगत है, जिसके घर से मैं जुड़ी थी, उनके घर में बहुत ब्लेसिंग्स हैं उसको गुरु जी की, शी इज अ यंग गर्ल, उसे गुरु जी बिल्कुल क्लियर बात करते हैं। और उसके उसको मेरे बारे में, जो मैंने एक क्लोज रूम में किसी से बात करी है अबाउट समथिंग, ऑफकोर्स नॉट प्राइवेट, एंड शी टोल्ड मी दैट कि वॉट आई टॉक्ड फ्यू ईयर्स बैक, एंड शी रिंग्स मी अप एट 3:30 इन द आफ्टरनून, एंड वाइल आई वॉज ट्रेवलिंग इन द कार, एंड शी टेल्स मी कि आंटी, गुरु जी कह रहे हैं कि आप मधु दे नाल गड्डी विच गुड़गांव जा रहे हो, और आप बोल रहे हो चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, नॉनिथ, 9 ट्रेजर। एंड देन शी सेड दैट आंटी, 9 ट्रेजर, ही वॉज स्पीकिंग इन पंजाबी बिकॉज वो इंग्लिश का वर्ड था। कहती है आंटी, 9 ट्रेजर, 9 ट्रेजर कह रहे हैं, वॉट इज 9 ट्रेजर?
Sangat ji, I got goosebumps at that time. Imagine I'm sitting in the car. She's at least 25 kilometers away. She does not know where I'm going. She doesn't know my sister. And she said exactly these four words. I was talking, telling my sister, explaining these shabads, the meaning of this shabad. And then she said, Auntie, Guruji कह रहे हैं व्याख्या करती पड़ी. अब आप देखिए संगत जी, इसके पीछे कितने बड़े मैसेजेस निकले. सबसे बड़ा मैसेज है, देखिए कितनी नेगेटिविटी से ये सत्संग शुरू हुआ. अगर मैं ये बोलकर फाइट करके इस बात को मैं करती तो ये कहाँ जाता है, इट वुड हैव बॉम्बार्डेड. सेकेंडली, नेगेटिव से ये क्या बना, ये स्पिरिचुअल सत्संग बना. और कितना अब मैं स्प्रेड कर रही हूँ कि व्हाट इज कॉन्शियसनेस. और एक जो सेकंड मीनिंग निकला कि गुरुजी ने मेरे को फॉरगिवनेस सिखाई. तीसरा, गुरु आपको 3 दफा बोलते हैं. और ये मैंने बहुत पुरानी संगत से सुना है कि गुरुजी आपको 3 दफा बोलते थे आफ्टर यू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस. और गुरुजी ने प्यार, मेरे प्यार की वजह से मुझे 4थी बार खुद आके उसके माउथ के थले बोला. आप देखिए, ही इज नॉट इन बॉडी फॉर्म, हाउ विल ही टेल अस. आप खुद सोचिए, है ना. और इंस्टेंटली बताया, दिस इज इंस्टेंटली. और फिर माय सिस्टर यूज्ड टू से वेदर ही नोज मी, व्हाट डज इट प्रूव दैट ही नोज एवरी वन ऑफ अस, इंक्लूडिंग दोज हु आर नॉट कनेक्टेड टू हिम. इवन दैट ही गेव मी वन प्रैक्टिकल सत्संग अबाउट माय हस्बैंड. सो ही नोज एवरी वन, इवन इफ दे आर नॉट कनेक्टेड, बिकॉज वो तो कॉन्शियसनेस है, वो ईश्वर है, वो सबका पता है. और बिकॉज वी आर द चोजन वंस, वी आर कनेक्टेड टू हिम. ये हमारे लिए जरूरी था कि हम उनके द्वार पे आए. उसके बाद एक और मैसेज निकला कि मेरे को डाउट नहीं था, बट आई यूज टू वंडर कि उसको कैसे बोलते हैं. सो ही प्रूव दैट. और संगत जी, उसके बाद देखिए, आप विश्वास करिए जो बोलता है, जिसको मैसेजेस आते हैं, बट यू यूज योर ब्रेन, कि कोई आपका मिस यूज ना करे. कोई आपको कहे कि आंटी मेरे को गुरुजी ने ये मैसेज भेजा, आप ये करिए, वो आप अपना अपना दिमाग लगाइए उस बंदे की, आप जेन्युइनिटी देखिए. और मेरे हिसाब से इस द्वार पे किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कोई झूठ बोले. वेरी रेयरली पीपल विल डू इट, वेरी रेयरली. सो दैट अगेन यू हैव टू बी वाइज टू चूज दैट, एंड दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड. फिर उन्होंने कहा व्याख्या करती पई है, व्याख्या करती है, क्योंकि मुझे सब उस दिनों में 2 साल पहले एक मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में उन्होंने, आंटी ने मुझे व्याख्या, आंटी का वो दिया था. तो देखिए कैसे गुरुजी ने वैलिडेट करा. और फिर जो ये मैंने लाइन बोली थी, जिसनु तू रखवाला मारे तिसे कौन. संगत जी, ये 2 साल हो गए हैं ये बात मेरे लाइफ में चल रही है. गुरु जी हैज सेव माई लाइन लाइफ अमटीन टाइम्स. और वो कैसे सेव कर रहे हैं, पेन्स दे रहे हैं मुझे, थोड़ी बहुत पेन्स दे रहे हैं, इमोशनल पेन्स दी, फिजिकल पेन्स दी इस 2 साल में. पर कुछ ऐसी पेन्स हैं जो किसी और को दी है उन्होंने, किसी और को करके मुझे कभी नॉन लिविंग थिंग से करंट दिया, कि कभी किसी को कुछ छोटे छोटे मुझे उपाय करके उन्होंने मुझे, किसी को मैसेज करके उपाय कराए. अब मैं जो लेटेस्ट है वो मैं आपको बताती हूँ, जो मेरे साथ अभी ये 1 महीने के अंदर हुआ है. जो गुरुजी ने किसी को मेरे नाम के मैसेजेस भेज के मुझसे कुछ काम कराए हैं वो मैं आपको बताती हूँ. देखिए एक बार क्या हुआ, ये भी नवंबर की बात है. मेरे घर में एक छोटा सा सत्संग था, एक संगत है उसको गुरुजी पूरी आवाज उसको भी आती है. सो शी टेल्स मी कि आंटी गुरुजी कह रहे हैं कि आप मुझे एक ब्लेसिंग दे दो. तो संगत जी, मैं 2 दिन पहले बनारस से आई थी, तो हमको होटल में एक हार मिला था. एंड इट्स अ ब्यूटिफुल कलर्ड स्टोन्स, उन्होंने गंगा की मिट्टी से बनाए हुए थे. तो वो उन्होंने, मैंने उसको वो पहना दिया. आप देखिए, वो जैसे ही घर गई, उसको तेज बुखार और उसके सर में दर्द. गुरुजी ने कहा यू हैव टू बेयर इट. एंड एट नाइट ही शोड समथिंग अबाउट मी, एंड इन द मॉर्निंग्स ही सेड यू हैव टू बेयर इट, एंड इन द आफ्टरनून शी वॉज ऑल राइट. और उसी दिन मुझे एक संगत ने बोला कि गुरुजी ने आपके लिए एक शब्द भेजा है, तू मेरा राखा सपने थाई. और देखिए, मैं बनारस से आई थी, बनारस इज मोक्ष की धरती, जो आपको काल भैरव के, मैंने दोनों, उस दिन मेरा बर्थडे था, मैंने दर्शन किए. और उससे पिछले साल भी मैं गई थी, तब भी मैंने दर्शन किए. और दोनों टाइम बनारस में मैं गिरी और वहां पे मुझे बचाया गया.
और आप काल भैरव के मंदिर में जाइए, पीछे पूरे मोर पंख लगे होते हैं, और मोर मोर क्या, व्हाट मोर इंडिकेट्स, इज इंडिकेट्स टाइम, वो लाइफ का बोधक है, लाइफ का बोधक है, बिकॉज इट्स ही इज मेंशन टू इन स्क्रिप्चर्स। आप देखिए कैसे आपको सिर्फ दिमाग लगाना है कि गुरु जी क्या नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए मुझे एक मैसेज आता है, एक दिन क्या होता है, ये अभी की बात है, आप देखिए ये टेलीपैथी के कैसे उन्होंने, कैसे आप, हाउ ही कम्स अक्रॉस टू यू। एक दिन क्या हुआ, ये अभी 10-15 दिन पुरानी बात है, आई लाइक टू यू नो कलेक्ट लाइट्स एंड कैंडल्स फॉर गुरु जी दरबार। तो मेरे को एक, जहां से मैं लेती हूँ, उनका मैसेज आया, उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ 50% सेल है, सो आई सेलेक्टेड टू फ्लावर वॉजेस, गुरु जी के चोले के मैचिंग के साथ। सो आई टोल्ड माई हस्बैंड कि आई सेलेक्टेड कि आप इसको मेरे लिए ऑर्डर कर दो। तो ही सेड कि आई डू इट आफ्टर ब्रेकफास्ट, सो देन आफ्टर दैट आई फॉरगॉट। आप देखिए संगत जी, 15 मिनट के अंदर मुझे एक संगत का फोन आता है, जिसका पास मेरा मेरा मैंने उसका नंबर नहीं फीड किया, बट आई नो हिम, आई हैव हिज वाइफ एंड डॉटर्स नंबर। तो ही से जय गुरु जी आंटी, मैं ये सो एंड सो स्पीकिंग, और गुरु जी के लिए, गुरु जी ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। दैट वॉज देन ही सेज कि गुरु जी कह रहे हैं कि दो फ्लावर वॉजेस जहां से मैं जुड़ी हूँ उसको, वो हमारी, जहां मैं कॉलोनी में रहती हूँ उसका वो मंदिर कहते हैं, कहते हैं उसको बोलो दो फ्लावर वॉजेस उस दरबार में रखे। संगत जी 15 मिनट पहले मैंने ऑर्डर करा है। आप देखिए गुरु जी हाउ इज प्रूव्स हिमसेल्फ की हिज कॉन्शियसनेस। मैंने तो किसी को भी नहीं बोला कि मैं ऑर्डर कर रही हूँ। आप देखिए मैं लेके आई, फिर मैंने, और गुरु जी ने मुझे 50% डिस्काउंट में नहीं लेने दिया, क्योंकि वो आपसे खर्चा के आपके कष्ट काटते हैं। आप देखिए मैंने ऑनलाइन 2 बार ऑर्डर किया, मेरा ओटीपी नहीं आया। आई वेंट टू द शॉप एंड देर वॉज नो सेल देयर, आई सेलेक्टेड एंड मैंने वहां पे फूल लिए और गुरु जी के वहां दरबार में रख के आई। आज उनके जो उनका पर्सनल रूप है उन्होंने वहां रखे हुए, परमानेंट ब्लेसिंग दे रहे हैं। उसके बाद 4-5 दिन के बाद उसका फिर मैसेज आया। अब जब उसका फोन आता है तो मैं थोड़ा घबरा जाती हूँ, मुझे कहते हैं आंटी आपको गुरु जी कह रहे हैं टेल सीमा कुमार टू गिव हर सेलेक्टेड सूट्स टू सच एंड सच पर्सन। ये उसी संगत को जिसके घर से मैं जुड़ी हूँ, और उसको गुरु जी ने मेरे बोला कि मैं उसकी बेटी हूँ, जब मैं दुखी होती हूँ तो उन्होंने मैसेज भेजा कि उसको बोलो वो उसकी बेटी है, सिंस आई डोंट हैव अ डॉटर। आप देखिए यहाँ पे गुरु जी की लीला, मैंने सेलेक्टेड सूट्स निकाले और उस लड़की को पता भी नहीं है कि उसके लिए मैसेज आया है, उस बच्चे के लिए। आई टुक आउट फ्यू ऑफ माई सेलेक्टेड सूट्स। अब आप देखिए यहाँ पे आपका थोड़ा सा माइंड वर्क करता है, बिकॉज हम अपने आप को, आई सेलेक्टेड माई गुड सूट्स बट नॉट वेरी गुड सूट्स। अब ये भी देखने वाली बात है, फिर उसका फोन आता है कि आंटी गुरु जी ने आपके लिए मैसेज भेजा है, आपका ये पेट नेम है, उसने उन्होंने मेरा पेट नेम लिया, माई पेट नेम इज किटी। सो आई सेड, कहता आंटी आपका नाम किटी है, मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा कोई मेरा नाम नहीं जानता, तो कहता है कि मैंने कहा आपको कैसे पता, कहते हैं गुरु जी ने ये लिखा है, तो मैंने सोचा कि सुबह से आपके लिए दो मैसेज आ गए, एक तो मैं पूछूं, आपसे पहले पूछूं, अगर आप नहीं मिलोगे, आप वो नहीं होगे, तो मुझे फिर इस नाम का किसी को ढूंढना पड़ेगा। तो कहते हैं उन्होंने क्या क्या बोला, व्हाई शी इज कंफ्यूज्ड। संगत जी इतनी छोटी सी भी उनको बात पता थी कि मेरे माइंड में दे वर नॉट माई सेलेक्टेड सूट्स। अब यहां देखिए ये होता है कि थोड़ा सा आपके अंदर लोभ या जो भी आप सोच लो। अब मैंने उसके बाद क्या किया, दो मेरे नए सूट पीसेस पड़े थे, वो मैंने और वो डाले एंड आई वेंट एंड केप्ट एट हर दरबार एंड शी डिडंट इवन नो अबाउट इट। अब देखिए परसों क्या होता है, परसों उसका फिर फोन आता है, आंटी गुरु जी इज सेइंग दैट टेल हर टू रिटर्न हर सूट्स, आई हैव ब्लेस्ड ऑल ऑफ देम, आई हैव ब्लेस्ड ऑल ऑफ देम। और देखिए 2 दिन पहले मैंने जपजी साहब की ये लाइन बोली थी, क्योंकि मैं जपजी साहब सीख रही हूँ, कर्मी आवे कपड़ा नतरी मोह द्वार। आप कर्मी आवे कपड़ा मीन्स वॉट, कि आपको ये कर्म से ये कपड़ा, मतलब आपको शरीर मिलता है कपड़ा, गुरु नानक जी सेस कपड़ा फॉर कवरिंग अवर सोल। सो गुरु जी ने मेरे कपड़े ले जाकर उसको ब्लेस करके मुझे वापस करवाए टू गिव मी अ न्यू लाइफ। दिस इज व्हाट गुरु जी, एंड सो मेनी टाइम्स बिफोर ऑल्सो
ही सेव माई लाइफ, ये जो मेरे अभी के 1 महीने के सत्संग। सो दिस इज वॉट रिटन, एंड उसको ये इजाजत नहीं है कि वो उसको कहाँ से, मैंने उससे फिर पूछा भी नहीं आपको कौन भेजता है, कहाँ से आते हैं, बिकॉज दैट्स नॉट माई डोमेन। जहां हमने क्वेश्चन करा हमारी गुरु की कृपा चली जाएगी, एंड ही हैज टू, आफ्टर इन्फॉर्मिंग मी ही हैज टू डिलीट द मैसेज। और जिन दिनों में कोविड चल रहा था उसको गुरुजी ने बोला कि तू सफदरजंग के हॉस्पिटल में आईसीयू में चक्कर लगा के स्कूटर में, एंड ही वेंट ड्यूरिंग कोविड टाइम, पीक टाइम, सिंस ही यू नो ही हैज अ केमिस्ट बिजनेस, सो ही कुड गो, एंड आप मानेंगे नहीं वो चक्कर लगा के आया तो गुरुजी ने बोला कि तेरी मैंने जान बख्शी, नहीं तो तू आईसीयू में। दिस इज व्हाट आवर गुरुजी इज, हाउ ही कम्युनिकेट्स थ्रू संगत, हाउ ही कम्युनिकेट्स। अब देखिए एक संगत है वो लंगर की सेवा करती है, और आप यू नो आई एम एसोसिएटेड विद हर, उसकी इतनी जबरदस्त सेवा है, वो हर महीने कहीं ना कहीं गुरुजी बताते हैं। तो एक बार उसको, मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ, थोड़ा सा हुआ, डाउट नहीं हुआ कि हाउ कैन शी डू इट, यू नो एवरी मंथ शी इज ट्रैवलिंग एंड हाउ गुरुजी टेल्स हर। आप देखिए थोड़े दिन पहले 1 or 2 months आई डिडंट डू एनी कॉन्ट्रीब्यूशन, वेरी स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन आई डू, आई डिडंट डू इट। आप देखिए 3 4 दिन पहले मुझे एक सपना आता है कि मेरे घर में सत्संग होना है और होने वाला था, और बहुत संगत आ रही है, और मैं उनको कह रही हूँ कि मैं तो आपको जानती नहीं, मैंने तो आपको बुलाया ही नहीं था। फिर वो कहते हैं, वह लंगर कहते हैं वो ना एक और खाए जा रहे हैं, भोजन खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसी कहीं बैठे हैं, वो रेस्टोरेंट टाइप का है, और कह रहे हैं वो जो सामने आंटी बैठी है उनसे पैसे ले लो, हम नहीं देंगे, उनसे पैसे ले लो। और व्हाइल आई वाज नरेटिंग दिस सत्संग आई सडनली रियलाइज्ड कि मैंने उसको डाउट करा, ये जो मेरे छोटी सी कॉन्ट्रीब्यूशन किसके किसके पेट में जानी थी, वो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में करके दिखाई। दिस इज व्हाट गुरुजी इज। सो हमको अपना दिमाग लगाना है कि ये सब संगत को कर रहे हैं, दैट इज हाउ ही इज कम्युनिकेटिंग विद ऑल ऑफ अस। तो ये मेरा बड़ा सीरियस सत्संग था, एक आई थिंक बहुत टाइम हो रहा है, तो नाउ आई विल डू अ वेरी स्वीट सत्संग, और भी बहुत सीरियस सत्संग है, तो अब मैं एक छोटा बहुत प्यारा सा सत्संग आपको बताती हूँ आफ्टर दिस सीरियसनेस। इसे मेरे को बचपन से आई वॉज वेरी वेरी आई वॉज यू नो वेरी कीन टू सी स्नोफॉल। अब देखिए जो लोग अमेरिका वगैरह में रहते हैं उनके लिए इज नथिंग न्यू, एंड आई ट्रेवल अ लॉट, आई कैन गो टू शिमला और मसूरी और एनी वेयर टू सी द स्नोफॉल, बट नहीं गए, और बहुत इच्छा थी मेरी स्नोफॉल देखने की। स्नोफॉल मीन्स इन द रियल सेंस कि वो छोटे छोटे रुई गिर रही हो, स्नो गिरी हुई बहुत जगह देखी। अब आप देखिए ये 2022 में, अक्टूबर 2022 में मेरे हस्बैंड के ऑफिस का एक ट्रिप बनता है जिसमें 2 to 70 ईयर के हम ग्रुप जाता है जो फिनलैंड जाते हैं इन अ प्लेस कॉल्ड लैपलैंड, जहाँ पे विच इज द सिटी ऑफ सांता क्लॉज, विच इज द सिटी ऑफ रेनडियर, विच इज द सिटी ऑफ, वो जो हम सांता क्लॉज के गाने गाते हैं, जहाँ पे आप सांता क्लॉज को लेटर बॉक्स में विश देते हो। अब आप देखिए आई डिडंट इवन नो व्हाट इज, वेयर इज लैपलैंड, एंड आई कुड हैव नेवर गॉन यू नो अलोन। ये आप जा ही नहीं सकते इवन इफ यू हैव द मीन्स, अनलेस ये गुरुजी की लीला थी, क्योंकि गुरु कहते हैं कि जो तेरे मन में डिजायर्स होती हैं ये ईश्वर की मर्जी होती है कि वो कब आपकी वो लेयर से निकाल के पूरा करेगा। और जब मैं वहां गई, आप देखिए संगत जी अक्टूबर में वी वेंट, एंड एंड आउट ऑफ 52 पीपल ओनली 12 पीपल रीच दैट डे। ये भी गुरु जी की देखिए लीला थी, बिकॉज द होल स्टाफ कैन नॉट ट्रेवल इन द सेम फ्लाइट, तो सम वर कमिंग नेक्स्ट डे। अब हम रात को वहां पे रुके तो वो इग्लू में देखिए जो ओपन रूम होता है, और वहां पर रुके तो जैसे मैंने रूम नंबर देखा इट वॉज 177। आई अंडरस्टूड कि ये गुरु जी की लीला है। और जब हम सुबह देखिए बिल्कुल क्लियर वेदर था, सुबह हम वहां पे ब्रेकफास्ट कर रहे थे, एंड सडनली स्टार्टेड वो हो गई, स्नोफॉल शुरू हो गई, और इतनी स्नोफॉल हुई इन हाफ एन आवर कि वो पूरा का पूरा जो हमारा होटल फिनलैंड लैपलैंड पूरा स्नो से भर गया, पूरा
रसों से भर गया. ओनली 12 ऑफ अस विटनेस. एंड देन आई आस्क द होटल पीपल, आई सेड डज इट स्नो अराउंड दिस टाइम? सो ही सेड नो, नॉर्मली इट डजंट स्नो अराउंड 26 अक्टूबर, इट स्नोज अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर. सो देखिए गुरु जी ने मुझे स्नोफॉल दिखाई. उसके बाद देखिए, और बहुत वहां पे ऐसे ऐसे सेंटा क्लॉज दिखाया, वहां के उसका विलेज दिखाया जहाँ पर लेटर, वहां मैंने पोस्ट करी, विश मांगी. और उसके बाद देखिए कैसे आपकी जान बख्शते हैं, दैट आई विल टेल यू. उसका गुरु जी की एक मैंने छोटा स्वरूप अपने पर्स में रखा हुआ था. एंड आई लेफ्ट माई पर्स इन द बस. तो जब मैं आई तो वो टोटो बैग था जिसका जिप नहीं होती है, तो देखा कि वो मेरी सीट के नीचे गुरु जी का स्वरूप गिरा हुआ और कुछ नहीं गिरा हुआ. उसमें से उसके साथ कुछ और भी पड़ा हुआ था, नथिंग हैड फॉलन डाउन एक्सेप्ट द स्वरूप. सो मेरे मन में आया, मैंने कहा ये धड़ाम से कैसे गिर गया. दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स आई सेड अपने मन में, कि ये धड़ाम से कैसे स्वरूप गिर गया. अब आप देखिए कि व्हाट हैपेंस दैट you know, I had fallen down there in the snow, and so had my husband. So he asked me for an ointment. So I said, what happened? He says, मैं धड़म से गिर गया था, and nothing happened to him. And जो गुरुजी का स्वरूप गिरा, आप देखिए पूरा मेरे पर्स में कुछ चीज नहीं लिए, और वो नीचे सीट पे गिरा हुआ था, बिल्कुल सीट के अगली सीट के नीचे गिरा. So this is what Guruji, how he can save his life. Only thing is we have to understand. आप देखिए, मैं भी गिरी, वो भी गिरे वहां, क्योंकि स्नो में गिरते ही हैं, और गिरते अगर कुछ हो जाता तो कैसे होता. तो ये गुरुजी जब लेके जाते हैं, ये उनकी लीला है कि वो हमको ठीक ठाक वापस लाते हैं. तो दिस इज वॉट गुरु जी इज. एंड आई थिंक आंटी काफी टाइम हो गया, शैल आई एंड हियर? जय गुरु जी आंटी, बहुत प्यारा सत्संग आंटी, शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना. आंटी आपको और कुछ सुनाना है या आगे लेना है, आप बता जी. आंटी बस मैं ये बोलूंगी, आज मैं अभी ना अमीर खुसरो का प्ले देके आई, और उसमें अमीर खुसरो के मुर्शिद थे निजामुद्दीन औलिया, एज वी ऑल नो. तो वो उसमें प्ले में बड़ा उनका प्यार दिखाया, तो मैं जब देख रही थी तो आई वॉज इमेजिनिंग माई सेल्फ विद गुरु जी. तो वो उसका एक मैं चार लाइनें बोलूंगी जो मैंने खास आके लिखी और उसको समझने की कोशिश करी. वो कहते हैं ना, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी उल्टी वाखी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार. मीन्स सरेंडर जिसने कर दिया वो पार हो गया. दिस इज वॉट इट मीन्स. So let's all of us be embraced in his love. सब गुरु जी के प्रेम में रहिए और उनके चरण चरण में रहिए. सो गुरु जी का लाख लाख शुक्राना. इसका क्या मतलब है कि असली प्रेम के समुद्र की धारा विपरीत दिशा में बहती है, जो उसमें उतरा वह डूब गया, और जो पूरी तरह से डूब गया वह पार हो गया. आप डूब के पार हो गए, दिस इज वॉट इट मीन्स. So I wanted to end with this because बहुत ही बहुत प्यारा प्ले था कि अमीर खुसरो ने इतना अपने गुरु के लिए गाया. फिर उन्होंने, उनके गुरु ने कहा कि तू सिंपल लैंग्वेज में गा, तू पर्शियन में, तुर्की में गाता है, तू हिंदी में जो गा जो सबको समझ आए. तो इतने 1100 साल, इतने सालों से आज हम अमीर खुसरो के गाने गाए जाते हैं जो हिंदी. So his mushit said ki to taki sab tak pahunche. Thank you very much.